बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बाय फ्रेड आर डेविड। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज की। अभी हम बात कर रहे हैं इंटेंसिव स्ट्रेटजीज की। एंड व्हाट आर दोज इंटेंसिव स्ट्रेटजी? पहले नंबर पे हमारे पास आती है मार्केट पेनिट्रेशन, दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे मार्केट डेवलपमेंट, और थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बेसिकली अगर इसको डिफरेंट ऑथर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ डिफरेंट ग्रोथ स्ट्रैटेजीज जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करने की कोशिश कर रही होती है। और अगर लेवल्स के हवाले से हम बात करें तो ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज में आता है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज होती हैं। सो अभी देखते हैं कि व्हाट आर द डिटेल्स अबाउट दीज थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेंसिव स्ट्रैटेजीज। पहली स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम जब सराइयत कर जाना, यानी जब हम ईच एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट उसको कवर करने की बात कर रहे होते हैं, डिटेल्ड एस्पेक्ट में मार्केट को कवर करने की बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। अब ये है, इसको हम डिफाइन करें तो सीकिंग इंक्रीज्ड मार्केट शेयर फॉर प्रेजेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन प्रेजेंट मार्केट। यहाँ पे हमें एक जो तवज्जो देने वाली बात है वो है दैट इज द प्रेजेंट। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम प्रेजेंट प्रोडक्ट्स को ही यूज कर रहे होते हैं। फॉर जस्ट एक एग्जांपल, इफ अ कंपनी इज ऑफरिंग ए बी एंड सी प्रोडक्ट्स, तो मार्केट पेनिट्रेशन में स्टिल दे विल बी ऑफरिंग दीज थ्री प्रोडक्ट्स, दैट इज ए बी एंड सी, चाहे वो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विस हैं। और दूसरी चीज जो है वो है कि आपकी मार्केट जो है वो भी चेंज नहीं हो रही, वो भी आपकी क्या है, प्रेजेंट मार्केट है। सो उस मार्केट में डूइंग समथिंग दैट माइट इंक्रीज द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज मार्केट पेनिट्रेशन। एग्जांपल इसमें यहां पर उसने दी है एमिलट्रेड द ऑनलाइन ब्रोकर ट्रिपल इट्स एनुअल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स टू $200 million to convince people they can make their own investment decisions. So, ये एक example आपको American context में नज़र आ जाती है। अगर हम local में बात करें तो हम किसी भी present market में अपनी promotion को अगर increase कर देते हैं, या इसको अगर मैं broader sense में कहूँ तो आपके advertising sense मॉडिफाई हो जाती है, चेंज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। प्रमोशन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स की बात कर सकते हैं जो कि हम कस्टमर्स को ऑफर करते हैं, लाइक हम सेल्स की बात कर लेते हैं, हम डिस्काउंट्स की बात कर रहे होते हैं, फ्री आइटम्स की बात कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग में हम बिलबोर्ड्स की बात कर सकते हैं, टेलीविजन मीडियम को यूज़ किया जा सकता है, प्रिंट मीडिया को यूज़ किया जा सकता है। बाई डूइंग ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स वी आर इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। अभी देखते हैं कि इन विच सिचुएशंस इट विल बी फिजिबल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन के वो मार्केट पेनिट्रेशन को एज अ स्ट्रैटेजी यूज कर सके। पहली चीज जो आपके पास आती है ऑप्शन में कि करंट मार्केट नॉट सैचुरेटेड, कि अगर आपकी करंट मार्केट सैचुरेट नहीं हुई। सैचुरेशन से क्या मुराद है कि फॉर इंस्टेंस अब अगर ये एक हमारी मार्केट है और इट्स ऑलरेडी फिल्ड विद द सेलर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सेल्स में इंक्रीज के चांसेस बहुत कम हैं बिकॉज ऑलरेडी फिल्ड मार्केट है, तो फिर आपके लिए मोर एडवर्टाइजमेंट, मोर प्रमोशन कोई बेनिफिट नहीं लेकर आ सकती। सो इफ द मार्केट इज नॉट सैचुरेटेड देन आपके लिए मार्केट पेनिट्रेशन माइट बी अ गुड ऑप्शन टू ग्रो योर ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस। दूसरा एस्पेक्ट आता है जी, यूजेज रेट ऑफ प्रेजेंट कस्टमर्स कैन बी इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। अब यूजेज रेट से क्या मुराद है? इफ आई कंज्यूम अ प्रोडक्ट वंस अ वीक, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम उनकी रूटीन को चेंज करें और वो कस्टमर कितने दफा प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, 2 times in a week। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उसका 100% इंक्रीज कर दिया है यूजेज रेट। जस्ट इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बड़ी सादा सी देता हूँ। टूडे वी माइट बी यूजिंग वन प्रोडक्ट एवरी डे, दैट इज ब्रेड। अगर आप इससे कुछ साल पीछे जाते हैं तो आपको ब्रेड की सेल मॉर्निंग के हवाले से डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बहुत रिड्यूस्ड नज़र आती है।
बिकॉज पहले आपको नाश्ते का ट्रेंड डिफरेंट नज़र आता था जिसमें पराठे और कुछ इस तरह की चीज़ें प्रेफर की जाती थी, लेकिन कॉन्टीन्यूस एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स और पेनिट्रेटिंग थ्रू डिफरेंट प्रमोशनल टेक्निक्स हैव इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज ऑफ ब्रेड इन द ब्रेकफास्ट. सो क्या है कि अगर आपका प्रेजेंट कस्टमर्स का यूजेज रेट इंक्रीज किया जा सकता है और वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज किया जा सकता है, तो फिर आपके लिए इट इज़ ऑलवेज फिजिबल कि आप मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं. देन थर्ड आपका एस्पेक्ट आता है जी मार्केट शेयर्स ऑफ कंपेटिटर्स डिक्लाइनिंग वाइल टोटल इंडस्ट्री सेल्स इंक्रीजिंग. अब यहाँ पर ये दो एस्पेक्ट्स उसने दिए हैं. यहाँ पर आपका कंपेटिटर जो है उसकी सेल किधर जा रही है, वो लो हो रही है, लेकिन इंडस्ट्री सेल से क्या मुराद है, जैसे फर्ज करते हैं जी हम बैंकिंग इंडस्ट्री में हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं. टोटल इन्वेस्टमेंट जो सी हैं वो मार्केट में इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही हैं. चले अगर 10 इन्वेस्टर्स आपको इन्वेस्टमेंट्स नज़र आती थी, तो अब 15 इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, 50% इंक्रीज आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आपके कंपेटिटर बैंक्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ जा रही है. इवन देन आपके लिए मार्केट पेनिट्रेशन इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इंडस्ट्री सेल्स आर इंक्रीजिंग एंड बाय प्रमोटिंग इट मोर यू कैन ग्रैब मोर शेयर फ्रॉम द मार्केट. देन इंक्रीज्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रोवाइड मेजर कंपेटिटिव एडवांटेज. अगर आप मार्केट में पेनिट्रेट करेंगे, आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी, उस इंक्रीज सेल्स की वजह से आपके प्रोडक्शन डिसीजंस पे इफेक्ट आएगा. लाइक यू हैव टू प्रोड्यूस इवन मोर, और जब आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो यू विल बी लीडिंग टूवर्ड्स द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. सो अगर आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आने की वजह से कंपेटिटिव एडवांटेज मिल सकता है, तो यू माइट ऑफर मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी सो दैट आप इस बेनिफिट को अर्न कर सकें. नेक्स्ट है जी हमारे पास दूसरी स्ट्रैटेजी आती है, इसको हम कहते हैं जी मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. एज द नेम शोज वी हैव टू डेवलप द मार्केट बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रेजेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इनटू न्यू ज्योग्राफिकल एरियाज. अगर हम इस एरिया में काम करते हैं और ये हमारे पास कुछ एरियाज हैं जो कि वेकेंट पड़े हुए नज़र आते हैं, सो ये एग्जिस्टिंग आपकी मार्केट है और बाय एडिंग दिस इनटू योर मार्केट एरिया आपने क्या किया, आपने मार्केट को डेवलप किया है. मीन्स यू हैव ज्योग्राफिकली एक्सपेंडेड योर सेल्स. ज्योग्राफिकली एक्सपेंशन से क्या मुराद है, इसको और सादा एग्जांपल देते हैं. पहले मैं गुजरात में काम करता था, सो आई हैव स्टार्टेड टू प्रमोट माय प्रोडक्ट इनटू खारिया एज वेल. फिर मैं गुजरात से गुजरांवाला रीजन भी स्टार्ट कर दिया. सो मैं ज्योग्राफिकली अपनी जो मार्केट है उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ. दिस ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज टर्म्ड एज मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. यहाँ पे जो एक एग्जांपल दी है, होजेंडर टाइल्स मेकर्स इंट्रोड्यूस हिज प्रोडक्ट्स टू द गल्फ मार्केट. हम इसमें सिंपली पाकिस्तान से मास्टर की एग्जांपल ले सकते हैं कि पहले मास्टर टाइल्स आपको नजर आती थी विच वर प्रोड्यूस्ड इन गुजरांवाला एंड देन सोल्ड इन टू द पाकिस्तान मार्केट. लेकिन अब आपको क्या नज़र आता है कि पाकिस्तान मार्केट के अलावा दुबई में उनके आपको सेल्स सेंटर्स नज़र आते हैं. अगर हम फर्नीचर इंडस्ट्री की बात करते हैं गुजरात में, तो फर्नीचर इंडस्ट्री के कई ऐसे आपको बिजनेस ओनर्स नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अपनी मार्केट डेवलपमेंट क्या की कि गुजरात के अलावा शोरूम्स डिफरेंट रीजन्स में प्रोड्यूस कर लिए, और इसके साथ साथ फ्रॉम आउट ऑफ द कंट्री भी इवन उन्होंने अपनी ज्योग्राफिकल मार्केट को एक्सपैंड किया. सो ये हमारे पास आ गई कि हम मार्केट डेवलपमेंट को एज अ ग्रोथ स्ट्रैटेजी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं. व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर मार्केट डेवलपमेंट. पहली सूरत नजर आती है कि न्यू चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट आर रिलायबल इन एक्सपेंसिव एंड गुड क्वालिटी. यानी अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मिल सकते हैं जो रिलायबल भी हों, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो और उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो, तो आप मार्केट डेवलपमेंट को एज अ चॉइस यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज आपकी प्रोडक्ट्स की सप्लाईज जो सी हैं उसकी रीच टूवर्ड्स न्यू ज्योग्राफिकल एरियाज होगी, तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर्स रिक्वायर होंगे, एंड इफ यू कैन फाइंड देम देन दिस इज अ वायबल स्ट्रैटेजी. फर्म इज वेरी सक्सेसफुल एट वॉट इट डज. बेसिकली क्या है कि हम कंसनट्रेट किस पे कर रहे होते हैं, वी आर स्टिल कंसंट्रेटिंग अपॉन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स.
तो उन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की सेल्स को इन्हांस करने के लिए ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, इस सूरत में कि व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग इज वेरी गुड। तो इस बिलीफ के साथ हम अगर अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को एज अ चॉइस यूज कर सकते हैं। अनटैप्ड और अनसैचुरेटेड मार्केट, कुछ ऐसी मार्केट्स आपको नज़र आती हैं, ऐसे ज्योग्राफिकल एरियाज नज़र आते हैं जहाँ पे अभी से वो आपको प्रोडक्ट्स नज़र नहीं आती जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सर्विसेज वहाँ पर नहीं मिलती जो आप क्रिएट कर रहे हैं। सो अनटैप्ड मार्केट है, और या फिर कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे वो सर्विसेज तो हों लेकिन उतनी अच्छी ना हो, सैचुरेटेड ना हो कि उनकी सेल्स स्टिल आपको ग्रोथ में नज़र आ रही है, तो स्टिल देयर इज़ अ रूम फॉर मार्केट, तो यू कैन गो फॉर द मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। देन कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी टू मैनेज एक्सपेंडेड ऑपरेशंस, आपको कुछ चीज़ें चाहिए जैसे कैपिटल आपको रिक्वायर्ड है, ह्यूमन रिसोर्स आपको रिक्वायर्ड है। इफ़ यू हैव गॉट दैट कैपिटल एंड यू हैव दैट ह्यूमन रिसोर्स विद यू, तो फिर आपके लिए ये ऑप्शन अच्छा हो सकता है कि आप मार्केट डेवलपमेंट को एज अ स्ट्रेटेजिक चॉइस यूज करें। एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, अब हमारी फॉर इंस्टेंस हमने एक यूनिट लगाया हुआ है, अब उस यूनिट की जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है वो 8 आवर्स की है, लेकिन उसी यूनिट को मैं प्लस 8 आवर्स भी यूज कर सकता हूं, प्लस 8 आवर्स भी यूज कर सकता हूं। मींस आई स्टिल हैव ऑप्शंस के मैं उसको 24 घंटे चला सकता हूं लेकिन आई एम रनिंग दैट प्रोडक्शन यूनिट फॉर 8 आवर्स, सो उस एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी को मैं यूटिलाइज नहीं कर रहा, तो मैं नुकसान में हूं। और अगर मैं उसको यूटिलाइज करके बेनिफिट गेन कर सकता हूं तो मार्केट डेवलपमेंट में मेरी मोर इन्हांस सेल्स जो सी हैं वो मेरी एक्सेसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूटिलाइज करने में भी हेल्प दे सकती हैं। सो दिस इज वेयर आई कैन चूज दिस स्ट्रैटेजी। Then basic industry rapidly becoming global, जो जिस इंडस्ट्री पे आप काम कर रहे हैं उसकी ग्लोबल एक्सपेंशन आपको नजर आती है कि उसकी ग्रोथ रेट आपको अच्छा नजर आ रहा है, सो दिस इज वेयर यू कैन गो फॉर लुकिंग न्यू ज्योग्राफिकल एरियाज जिसमें आप अपना काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देन है हमारे पास स्ट्रैटेजी है दैट इज टर्म्ड एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, as the name shows that you have to develop newer products, so seeking increased sales by improving present products, by improving present products or services or developing new ones। yahan pe do cheeze aapke liye important hai samajhna, ek to aa gaya ji product improvements, theek hai, ye renovation kehlati hai, यानी जो existing products hain humne kya kiya usko renovate kar diya। jaise aap kehte ho ji model, मॉडल जैसे हम कहते हैं सिविक, हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और सिविक 2019, सिविक 2020, सिविक 2021 क्या है, दे कम अप विद सर्टन इम्प्रूवमेंट्स इन द प्रोडक्ट्स, ये रेनोवेशन आ गई। और अगर हम जैसे फॉर इंस्टेंस अब ये सुजुकी की एग्जांपल ले लेते हैं, तो सुजुकी ने क्या किया, बेसिक रेनोवेट किया और अपनी गाड़ी को आल्टो की सूरत में नया कर दिया, फिर उन्होंने कल्टस की सूरत में नया कर दिया, लेकिन एक और गाड़ी उन्होंने जो नई बनाई दैट वाज सियाज विच वाज नॉट एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, सो ये सियाज किस कैटेगरी में चला गया, न्यू प्रोडक्ट। सो एग्जिस्टिंग ब्रांड को रेनोवेट करना भी आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आ सकता है, और जो आपके पास न्यूर प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसको भी आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेन मोर सेल्स। यहाँ पे एग्जाम्पल उसने एप्पल डेवलप्ड द 4G चिप दैट रन्स एट 500 MHz, सो ये एक रेनोवेशन होगी। खुजेंडर टाइल्स मेकर्स इंट्रोड्यूस सिरेमिक्स एज अ न्यू प्रोडक्ट, सो आपके पास ये दोनों एग्जांपल्स भी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आ जाती हैं। अभी देखते हैं कि किस सूरत में हमारे लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट को एज अ स्ट्रैटेजी यूज करना बेनिफिशियल हो सकता है। दैट इज प्रोडक्ट इज इन मैच्योरिटी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, मैच्योरिटी, हम जब प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल बनाते हैं तो उसका लाइफ साइकिल कुछ इस तरह से आपको नजर आता है कि इंट्रोडक्शन की स्टेज है, ग्रोथ की स्टेज है, मैच्योरिटी है, देन डिक्लाइन है, और देन आपको ये डेथ ऑफ अ प्रोडक्ट नज़र आ सकती है, ठीक है। सो जब प्रोडक्ट मैच्योरिटी की स्टेज में आती है तो फिर उस पर आप उसको क्या करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू प्रोलोंग दैट मैच्योरिटी स्टेज, तो उस प्रोलोंग में आप उसकी रेनोवेशन की तरफ जाते हैं कि उस प्रोडक्ट को मॉडिफिकेशन और चीज़ों की सूरत में हम उसकी लाइफ में इंक्रीज कर सकें, तो आपके लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट माइट बी अ गुड स्ट्रैटेजी। देन कम्पीट्स इन इंडस्ट्री करेक्टराइज बाई रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जस्ट इसमें एग्जाम्पल आप मोबाइल इंडस्ट्रीज की ले सकते हैं,
कि हर आपको दो महीने बाद मोबाइल चेंज नज़र आता है। क्यों चेंज नज़र आता है? बिकॉज यू आर लिविंग इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जहाँ पे कोई भी नई टेक्नोलॉजिकल चेंज कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही होती है, एंड दिस इज़ वेयर दे आर टेंडेड टूवर्ड्स बाइंग न्यूअर प्रोडक्ट्स। सो आपके लिए किसी ऐसी कंपटीशन में होना जहाँ पे रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हों, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। मेजर कंपेटिटर्स ऑफर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट कंपेरेबल प्राइसेस। सो अगेन इसमें कंपटीशन की बात आ गई। अगर आपका कंपटीटर जो है नई से नई प्रोडक्ट दे रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, एंड इफ यू विल स्टिक विद द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, तो शायद आप मार्केट कंपटीशन से आउट हो जाएं। इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूंगा नोकिया। नोकिया हैज केम बैक इन द मार्केट विद री इन्वेंशन एंड रेनोवेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, लेकिन नोकिया ने नई जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी उसको टाइमली अडॉप्ट नहीं किया, एंड दे वर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द मार्केट। सो मेजर कंपेटिटर्स अगर आपसे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स देते हैं, तो आपको उसको कम्पीट करने के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट का सहारा लेना जरूरी हो जाता है। देन कम्पीट इन हाई ग्रोथ इंडस्ट्री, यानी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आपका ग्रोथ रेट काफ़ी हाई नज़र आता है, और उस ग्रोथ रेट को मीटअप करने के लिए आपको नई से नई प्रोडक्ट्स लेनी की ज़रूरत पड़ती है, बनाने की ज़रूरत पड़ती है। यू मस्ट गो फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। Then strong research and development capabilities. R&D, research and development departments बाज organizations own करती हैं, बाज organizations इसके लिए दूसरों का सहारा ले रही होती हैं। वो firms जिनका R&D अपना है और उनकी ये capabilities हैं, तो वो उनके लिए ज़्यादा आसान भी है, ज़्यादा lesser economical भी है कि वो product development को as a strategy use कर सकते हैं। सो दीज आर फ्यू स्ट्रैटेजीज जिसके हवाले से हमने बात की। हमने अभी के लेक्चर में तीन स्ट्रैटेजीज और उसके वायबल जो ऑप्शंस बनते हैं कि किस सूरत में वो हमारे लिए फिजिबल हो सकती है, उसको देखने की कोशिश की। दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। सो इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड डेफिनेटली वी वुड लव टू आंसर दोज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।